अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टूडियो से खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट सादिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहतरमा बुशरा अंजुम बट साहिबा, जो कि मेंबर पंजाब असेंबली भी है। तो आज हम इनसे इनकी सियासी करियर और इनकी शख्सी जो इब्तदाई जिंदगी है उस हवाले से जानेंगे। जी बुशरा अंजुम बट साहिबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र सादिया, ऑल वेल, होप यू डूइंग वेल एज़ वेल। अगर इब्तदाई जिंदगी की बात करते हैं, सो माई स्कूलिंग इज फ्रॉम लाहौर ग्रामर, और ओ लेवल्स ए लेवल्स के बाद आई वेंट टू पिनेट फॉर बैचलर्स। राइट आफ्टर माई बैचलर्स आई स्टार्टेड टीचिंग, ऑब्वियसली एट अ जूनियर लेवल, एंड देयर इज व्हेन आई रियलाइज दैट टीचिंग इज समथिंग दैट आई लाइक डूइंग। सो आई थॉट मैं उसमें इन्वेस्ट करती हूँ, सो आई वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री फ्रॉम कनेड, और डिग्री हासिल करते साथ ही आई स्टार्टेड टीचिंग एट वेरियस यूनिवर्सिटीज, लम्स बीइंग वन ऑफ इट। तो बस फिर लम्स में पढ़ा रही थी एंड आई वाज टीचिंग अ लैंग्वेज बेस्ड कोर्स, और फिर ये एक अदर अपॉर्चुनिटी आई जहाँ पे PMLN वांटेड स्पेसिफिकली शबाज साहब रियलाइज दैट, बिकॉज हमारी जो अपोनेंट्स थे PTI वाले, वो एक प्रोग्रेसिव एक यूथ बेस्ड पार्टी का इम्प्रेशन दे रहे थे। So then PMLN realized that they need fresh faces as well. So that is when बहुत सारे, मेरे ख्याल से 2013 में a lot younger, more educated parliamentarians were given opportunity. तो बस फिर इस तरह सियासत ज्वाइन की, और अब it's been 10 years now. अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपकी डिग्री एम इंग्लिश है और आप लम जैसे माहौल में ही पढ़ाती, तो कैसे आपने जो वो सियासत की तरफ आपका रुझान दिया और कैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ा इसमें? Sadhya, to be very honest, when I was given the opportunity, तो मेरे लिए थोड़ा सा it was क्या कहते हैं ना, obviously lums का culture, university level का culture, या अगर आप मेरी schooling देख रहे हैं सारा कुछ, तो जो एक harsh image of politics सबके सामने पर lay person बना हुआ है, it's not easy. मुझे अपने आप को, मैं I couldn't figure out how I will fit in. But then looking at Shabazz साहब and उनका progressive and how he wanted to change politics and how party works, तो मुझे उन्होंने सिर्फ मुझे ये था कि as long as I'm in his team and अगर उनके साथ काम करना है तो maybe, because frankly speaking मुझे idea ही नहीं था कि सियासत में इतना ज्यादा पढ़ा लिखा काम भी हो रहा है, होता है, because we are legislators first, हमारा first and foremost role जो है वो policy making का है। और जब शबाज साहब ने मुझे ये बात उन्होंने पहले भी की कि हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए जो हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज पे काम करे, जो हमारे साथ काम करे, तो बस उस तरह डरते डरते मैंने कदम ले ही लिया पंजाब असेंबली की तरफ। बट आई थिंक दैट इट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, बिकॉज देयर आई रियलाइज दैट इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है ये, अगर इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए। आज की सियासत जो है वो बहुत ज्यादा पार्टी बेस हो गई है, वो सब कहते हैं ना 10 साल हो गए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कब आऊंगी? तो मेरे लिए मेन स्ट्रीम ये है, बिकॉज मेरे लिए बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मेरा यूथ के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक है, और मेरा कोर्स भी लम्स का बहुत इंटरैक्टिव था, तो मुझे बहुत मजा आता था बच्चों के साथ वो इंटरैक्टिव, यू नो हाउ पीपल थिंक, इट जस्ट इंट्रीग्स मी। सियासत में भी आई तो मेरा बड़ा हेफ्टी पोर्टफोलियो था मेरे पास, आई वाज ऑन 11 बोर्ड्स। फिर शबाज साहब ने मुझे बहुत सारी स्टैंडिंग कमेटी फॉर एजुकेशन की भी मेंबर थी, दैट इज वेयर लेजिस्लेशन एक्चुअली हैपन। तो मुझे हंसी याद थी दैट माय हस्बैंड आल्सो सेड कि मुझे तो पता ही नहीं था कि सियासत में इतना पढ़ा लिखा काम भी होता है, जो कि मुझे भी नहीं पता था। देन आई गॉट टू वर्क विद अ लॉट ऑफ एनजीओज एज वेल, खवातीन के हकूक के बारे में, बच्चों के हवाले से, उनके राइट्स के हवाले से। सो मैं यही बात कर रही हूँ कि व्हेन यू आर फोकस्ड, अगर आप सियासत में फोकस होते हैं, बिकॉज यू सी मेरा सियासत में आने का मकसद एक था, टू गिव बैक टू द सोसाइटी, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू गिव बैक व्हेन यू डू पावरफुल लेजिस्लेशन, व्हेन यू गिव अपॉर्चुनिटीज एंड प्लेटफॉर्म्स टू अदर पीपल। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने सियासी प्लेटफॉर्म पे कदम रखा, तो सियासत करना भी कोई आसान काम नहीं है, तो आपने अपनी सियासत को कंटिन्यू करते हुए इसमें कौन सा अहम तरीन फैसला किया? सियासत में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा, बिकॉज मेरा जो आई वॉज वेरी स्ट्रेट लाइक क्लियर इन माई हेड कि मैं सियासत में क्यों आ रही हूँ। अगर आप कहते हैं कि आपने कौन सा अहम फैसला किया, मैंने बहुत सारी पावरफुल लेजिस्लेशन की, मेरा ख्याल है मैंने डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स पे डिफरेंट रोल्स अदा किए, जिस तरह मैं पंजाब लाइब्रेरी के बोर्ड पे थी, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, वहां पे बहुत सारी मेहनत के बाद बुक रीडिंग का कल्चर, अगर आप देखें तो हम लोग की जो जनरेशन, जो अगली जनरेशन है, जिस तरह मेरा बेटा है,
ये सारे नई टेक्नोलॉजी और टैब्स और इन सब की वो है, और इसके रिप्रिकॉशंस और इसके जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो अब जाके रियलाइज कर रहे हैं कि बच्चे जो अग्रेशन उनमें आ रही है, डिप्रेशन आ रही है, ड्रग अब्यूज। तो जी वापस चलो बुक रीडिंग की तरफ, जिधर से हमें हटाया था। सो अगर आप बात करते हैं बीइंग मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी फॉर एजुकेशन, उस हवाले से भी शबाज साहब की लीडरशिप के अंदर बहुत सारे काम किए, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल बॉन्डेड लेबर, पाकिस्तान इज इंटरनेशनली क्रिटिसाइज फॉर बॉन्डेड लेबर, हमने बच्चों को घंटों से ना सिर्फ फ्री कराया बल्कि स्कूलों में डाला, स्टाइपेंड दिए। फिर अगर आप बात करें आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स जो है, मिसिंग फैसिलिटीज पे बहुत काम किया। यहाँ तक व्हाट आई लाइक अबाउट द फैक्ट इज के इतनी बारीकियों में जाके काम किया कि अगर बेडविंस हैं जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे बच्चे स्कूल्स नहीं जा सकते बिकॉज दे कीप ऑन मूविंग अराउंड, तो उनके लिए मोबाइल स्कूल्स का इनकार किया। सो मतलब वर्किंग विद शबाज साहब आप बहुत ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करके छोटी छोटी, इस तरह कहते हैं ना लोग दूर से बैठ के देखते नहीं है, लेकिन जब लेजिस्लेशन आप करते हैं इट्स नॉट जस्ट वन लेजिस्लेशन साथ, यू नीड अ लॉट ऑफ लेजिस्लेशन टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर लेजिस्लेशन। अगर आप खवातीन की बात करते हैं, वेमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, मुझे याद है आवाज ऑन द बोर्ड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एज वेल, तो हमने क्योंकि ये भी एक चीज थी बिकॉज हमारी जो न्यू जनरेशन है उसकी हेल्थ के अंदर बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, और क्योंकि फॉर्मूला मिल्क जो है उसको प्रमोट किया जाता था और गलत इंफॉर्मेशन दे के किया जा रहा था। एंड यू नो सादिया, आई वाज अमेज्ड टू फाइंड आउट दैट हमें लगता है कि अर्बन एरियाज में ये फॉर्मूला मिल्क कल्चर है, बट जब हमने रिसर्च किया तो पता लगा कि देहातों में ज्यादा फॉर्मूला मिल्क इस्तेमाल हो रहा है बिकॉज वो खवातीन ने जाके खेतों में काम करना है तो इट्स मोर कन्वीनियंट। तो फिर हमने मैंडेटरी किया टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग एज वेल के वर्क प्लेसेस में डे केयर सेंटर भी होने चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग सेंटर होने चाहिए। मतलब इतना बारीकियों में ये सिर्फ कह देना कि वी लेट्स एम्पावर वुमेन एंड गिव देम जॉब अपॉर्चुनिटीज वाज नॉट गुड इनफ। उनकी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सोचा, फिर वो मेट्रो बस का एक पूरा सिस्टम निकला जिसको इतना ज्यादा तनकीद की गई, फिर उसके ऊपर बताया गया कि ये वो बच्चियों के लिए एक सहूलत फराहम की गई है जो अपने घरों से जब निकलती, यू नो इट इज द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब एक औरत घर से बाहर निकले उसको आपने सेफ फील कराना है, उसको उस पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट करना है। तो बस इन सब चीजों पे साथ साथ काम किया। एंड अब बस ये तो आपकी बहुत सारी अचीवमेंट है कि आपने एजुकेशनिस्ट होने के नाते जो है वो चाइल्ड लेबर के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम किए, क्योंकि बाकी चाइल्ड लेबर जो है वो पाकिस्तान में उसकी शरह जो आए दिन बढ़ते जा रही थी, तो इसको कंट्रोल करना जो है वो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और साथ ही साथ आपने मोबाइल स्कूल के हवाले से मैं बताया, तो ये तो बहुत बड़ा जो है इजाफा है स्टडी के लिए ताकि बच्चों के लिए जो है वो आसानी हो सके। अच्छा हमें ये बताइए कि सियासी करियर से हट के और अपनी एजुकेशनिस्ट करियर से हट के आपके पसंदीदा हॉबीज क्या हैं? पसंदीदा हॉबीज, आई लव ट्रैवलिंग। मेरा एक 5 साल का बेटा है और मुझे लगता है कि बिकॉज वी आर बोथ वर्किंग, माय हस्बैंड्स अ बैंकर, तो हमें जो टाइम मिलता है हम कुबलाए, माय सन इज अ वेरी आउटडोर्सी बॉय, और मुझे ऐसे लगा कि जाहिर बात है वो आपने जो इतना कुछ सीखा, इतना रिसर्च, इतने प्लेटफॉर्म से बैठते हो, तो जब वो चीजें घर पे इनकॉर्पोरेट ना करो तो फायदा क्या। तो हमने बहुत सोचा कि हम इस सुपरफिशियल और ये सारी डिजिटल जो इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम, इससे हटके क्वालिटी टाइम स्पेंड करें अपने बेटे के साथ। तो बस जैसे मौका मिलता है अप नॉर्थ, आई हैव अ हाउस इन अ यूबिया, तो हम बस भाग जाते हैं, और आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली, और दिस वो बस सब कुछ मिला लिया ना बिकॉज वो फैमिली टाइम, बिकॉज वर्किंग वुमन का एक मैं आपको बताऊं, वी हैव दिस गिल्ट फैक्टर विद इन अस। हालांकि जितना टाइम हम घर पे इस्तेमाल करते हैं हम क्वालिटी टाइम करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक घर से निकलना काम के लिए वो लगता है कि शायद कोई एस्पेक्ट बच्चे में निग्लेक्शन ना हो जाए, निग्लेक्ट ना हो जाए, घर ना निग्लेक्ट हो जाए, तो हम फिर ज्यादा बढ़ चढ़े काम करते हैं। तो मैंने अपनी हॉबीज को अपनी फैमिली लाइफ के साथ इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो आप अपनी फैमिली को जो है वो आसानी से टाइम दे लेती हैं, मतलब जब आपने बाहर जाना हो, ट्रैवलिंग करनी हो, जाहिर है ये सियासी काम तो है वो आए दिन होते रहते हैं, उस हिसाब से कैसे आप अपनी फैमिली मैनेज कर लेती हैं? साथ ही सियासत में भी वो कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट, यू नीड एज अ वुमन, एज अ वाइफ, एज अ मदर, अगर आपने सब चीजों को साथ लेके चलना, और मैं हर बारी कहती हूँ फॉर मी अ सक्सेसफुल वुमन इज वन जो हर चीज को साथ लेके चले। यू नो इफ यू वॉन्ट टू जस्ट एक्सेल इन प्रोफेशन तो फिर आपका घर निग्लेक्ट होगा,
और मेरी प्रायोरिटी जो है दैट इज माई हाउस फर्स्ट, बिकॉज एक औरत जो है शी इज द फाउंडेशन ऑफ अ हाउस होल्ड. तो फिर दैट इज वाई आई थिंक मुझे माई हस्बैंड सपोर्ट्स मी एज वेल, बिकॉज उसको पता है कि शी इज नॉट पावर हंग्री, शी विल नॉट निग्लेक्ट एवरीथिंग सो दैट वो बस आगे आगे बढ़े. सब चीजों को साथ लेके चला, हर चीज को आई एम ट्रू टू माई प्रोफेशन उतना लिया, उतना कमिट किया जितना डिलीवर कर सकूं. सो आई नेवर रन आफ्टर ओदे या आई डोंट रन आफ्टर थिंग्स. वो पावर हंग्री जो है ना वो एलिमेंट आई डोंट हैव दैट विद इन मी, बिकॉज फिर मैं आई कैन नॉट बी 100% इन एनीथिंग. तो इस वजह से देन आई हैव माई हस्बैंड सपोर्ट, माशाल्लाह ही इज वेरी सपोर्टिव, वेरी हैंड्स ऑन फादर. और मेरा ख्याल है कि कोई भी औरत कहीं भी परफॉर्म नहीं करती अगर उसको घर से उसके हस्बैंड से सपोर्ट ना मिले. बिल्कुल, हमारे माशरे में तो ये सबसे ज्यादा अहम चीज है कि वो कहते हैं ना कि एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक खातून का हाथ होता है, खातून की कामयाबी के पीछे मर्द का हाथ. इट्स हैंड इन हैंड, यू नो, योर हाउस नीड्स टू बी इन ऑर्डर फॉर यू टू अकम्प्लिश थिंग्स. बिल्कुल. हमें ये बताइए कि खानों से आप कितना मरूब हैं और आपके पसंदीदा खाने कौन से? I'm a Kashmiri bard, so that I think that should explain it all. Food is like a huge part of my life, or I'm a huge foodie. Ek to Lahori bhi, upar se Kashmiri. So I love eating good food. Aur ye hai ki zahir hai miqdar ko zara wo karna padta hai monitor, but that's part of life. Lekin ye hai ki desi, I love different cuisines, Thai, Japanese, everything. So yeah. आप तो फैशन आइकॉन भी हमें लगती हैं, तो हमें ये बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आपको कपड़े लेना पसंद है, जूते लेना पसंद है, सबसे ज्यादा किस चीज में आप शॉपिंग पे जाती हैं? साकिया, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा टाइम, जिस तरह कहते हैं ना शॉपाहॉलिक, नो, यस आई हैव अ सर्टेन स्टाइल. और मुझे लगता है कि बंदे की पर्सनैलिटी, बिकॉज एक ऐसा आपकी अपनी, यू नो, यू कांट ट्राई आउट, दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन, आई कुड बी रॉन्ग इन, बट आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है एंड देन जाके आप उसके मुताबिक ड्रेस करते हो. आई लाइक सिंपल क्लोथ, आई लाइक प्लेन आउटफिट, एंड उसके लिए मुझे इतना आई प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग. आई जस्ट कैन नॉट टेक आउट टाइम. आई रियली एडमायर वेमेन जो जाके इतनी देर शॉप्स में खड़े होकर शॉपिंग कर लेते हैं. तो आई लाइक सिंपल क्लोथ एंड आई लाइक प्लेन आउटफिट, एंड सो दैट्स वेरी इजी फॉर मी ऑनलाइन शॉपिंग, एंड दैट्स अबाउट इट. हमें ये बताइए कि सियासत में जो है सबसे ज्यादा आपकी पार्टी में किससे सबसे ज्यादा दोस्ती है, और क्या आपको कभी सियासत में किसी ने टच टाइम दिया? सियासत तो मैं कहते हैं कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, दैट्स लाइक वो कहते हैं ना मदर ऑफ ऑल द कॉम्पिटिशन. आई बिलीव एवरी प्रोफेशन हैज कॉम्पिटिशन, बट देन वही बात है ना कि पीपल डू ट्राई टू पुल योर लेंथ, बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट एंड इफ यू नो योर नीश एंड यू फोकस ऑन दैट, so then I think up and when you're strong headed and confident, I think you can put people in your place, in their places. So jab bhi mujhe kabhi kisi ne tough time dene ki koshish, because I don't involve myself in other people's business, I don't involve myself in petty politics. Aur jaise ki maine aapko bataya ki mera rujhan policy making ki taraf zyada hai, to zyadatar siyasat mein logon ka hota hai ki hum current affairs pe aa jaye, hame screen time mil jaye, hame is tarah ka. तो मुझे ऐसा मेरी डोमेन में कभी किसी ने चैलेंज करने की कोशिश उस तरह से नहीं की, एंड आई वाज वेरी क्लियर कट कि मैंने पॉलिटिक्स में ये कुछ करना है. और ज्यादा लोगों का रुझान उस तरफ होता नहीं है, तो ऐसा वहां पे तो मुझे किसी ने ऐसा तंग कर नहीं. लेकिन अगर पॉलिटिक्स में ही आप बात कर लें, यू नो हाउ पीपल टेंड टू गेट जेलस एज वेल, और आई डू रियलाइज कि पिछला टेन्योर जो हमारा था, मेरा बड़ा हेफ्टी पोर्टफोलियो था एंड नॉट अ लॉट ऑफ पीपल हैड दैट, तो मेरे पास एक्सपोजर भी बहुत था, लर्निंग एक्सपीरियंस भी बहुत था. But ये है कि जब if somebody tries to cross their line, then I put them straight. अच्छा, हमें ये बताइएगा कि 2013 में आपने अपने सियासी करियर का आगाज किया, तो आपने मुस्लिम लीग नून की पार्टी क्यों चूज की, जबकि मुख्तलिफ सियासी पार्टी भी मौजूद थी, जैसे पीपल्स पार्टी थी, PTI थी, काफ लीग थी, तो आपको क्या बात मुतासर करती कि आप मुस्लिम लीग नून आपने ज्वाइन कर लिया? सादिया, मुस्लिम लीग नून बिकॉज आई रियलाइज्ड, अगर आप थोड़ा सा देखिए, पीपल्स पार्टी इज नॉट, उनकी इतनी कोई स्टैंडिंग नहीं है पंजाब में. शबाज जो PMLN है वो हमेशा से पंजाब वाज़ देयर फोर्टे. PTI वाज़ अ रिलेटिवली न्यू पार्टी. शबाज साहब के साथ उनका जो काम करने का अंदाज था वो सबको नजर आ रहा था, दैट ही हैज दिस प्रोग्रेसिव एलिमेंट टू हिम, ही वांट्स चेंज, ही वांट्स, और जिस किस्म की वो डिस्कशन कर रहे थे, व्हाट ही वांटेड टू सी, बिकॉज यू सी PMLN वाज़ अ वेरी वेरी कंजर्वेटिव पार्टी.
और अगर वो एक उसमें चेंज के एलिमेंट में आ रहा था, दे वांटेड सम फ्रेश फेसेस, दे वांटेड एजुकेटेड पीपल, तो मुझे ये ज्यादा अपील किया. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, सियासत वॉज नेवर पार्ट ऑफ द प्लान. आई नेवर थॉट आई वुड एंड अप इन पॉलिटिक्स. मुझे तो था कि मैं वो, लेकिन जब एक अपॉर्चुनिटी मिली, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एज अ पर्सन, मुझे ऐसे लगा कि जैसे लाइफ में हर वक्त आपको अपनी ग्रोथ के लिए नई नई चीजें ट्राई करनी चाहिए. हालांकि मैं आज भी एडमिट करती हूँ कि वॉकिंग फ्रॉम लम्स टू पंजाब असेंबली वॉज नॉट ईजी. But then I told myself that if I want to grow as a person, then I have to try this out. Or having said that, Shahbaz Saab, PMLN, sounded very promising. And it was very promising. Because wahi baat hi na ke ye to kabhi soch bhi nahi sakte the ki Punjab was always PMLN. So agar aapne koi progressive changes, massive changes lane hain, to aapko two-third majority required hoti hai. Aur PMLN was always big in Punjab. So yeah. अच्छा मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को आप एज अ लीडर और एज अ चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ अ पार्टी कैसे देखती हैं? मरियम बीबी इज अ वेरी वाइब्रेंट पर्सनालिटी. और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि उनके आने से पीएमएलएन के अंदर बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना, उनकी उनकी सोच, पीएमएलएन के नजरिया, विच वाज अ वेरी कंजर्वेटिव मेल डोमिनेटेड पार्टी, मरियम बीबी के आ जाने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है. खवातीन को जो कहते हैं डिसीजन मेकिंग रोल, यू सी वेमेन, और मरियम बीबी बहुत ज्यादा प्रमोट भी करती हैं, वो रियलाइज करती हैं, और वो कभी मजाक में ये कह भी देती हैं कि मैं सीनियर्स को कहती हूँ कि अगर आपने खवातीन को इतना कॉर्नर आउट ना किया होता तो आज ये इतना ज्यादा वैक्यूम ना क्रिएट होता. बट शी इज डूइंग माशाल्लाह वंडरफुल जॉब्स फॉर द पार्टी. एंड आई थिंक दैट फॉर अ पर्सन, फॉर अ पार्टी, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू हैव टू ग्रो, फिर आपको वक्त के साथ बदलना पड़ता है. और वक्त की ये नीड है. It is the need of the hour that women have to be in a positive, powerful decision-making role. So, वही बात है कि मरियम बीबी के आ जाने से बहुत फर्क पड़ा है. अच्छा, अब जो सियासी सूरत हाल चल रही है उसमें इमरान खान की तर्ज इंतजार पर जो सियासत है उस पर आपका क्या कहना है? But it's so sad because जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा यूथ के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक है. Because when you're teaching, एक उस्ताद और एक शागिर्द की जो आपस में एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड होता है, because you're molding a personality. और मेरा कोर्स भी बहुत इंटरक्टिव था at university level. तो मुझे as a person मुझे बहुत दुख होता है, because when I see so much hatred, so much negativity within the youth. इमरान खान is doing politics. मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगी, लेकिन जो डैमेज उन्होंने यूथ के साथ कर दिया, हमारा इतना 60+% ऑफ आवर नेशन टू क्राइस्ट ऑफ यूथ, हमारा इतना बड़ा यूथ बल्ज था इंटरनेशनली, पाकिस्तान को जब लोग देखते थे, द कंट्रीज, यू नो दिस इज सच अ ह्यूज एसेट अगर आप उसमें अच्छा इन्वेस्ट करें. चाइना को देख ले, वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से उनके पास यूथ ही नहीं है. तो वो ऐसी कंट्रीज जब पाकिस्तान को देखती थी जिसके पास इतना बड़ा यूथ बल्ज था, बट वो हमारे लिए सैडली फॉर पोलिटिकल कैंपेन्स, फॉर वट एवर एजेंडा इट वॉज, द काइंड ऑफ हेट स्पीच. और मैं हमेशा से एक बात करती हूँ कि ये डैमेज पोलिटिकली नहीं खाली हुआ, इट हैज अ डोमिनो इफेक्ट. वही हेट स्पीच, वही हेट्रेड विल स्पिल ओवर एंड इज स्पिलिंग ओवर इन अदर एरियाज एज वेल. चाहे वो किसी के जेंडर राइट्स की बात हो, चाहे वो किसी के किसी और हकूक की बात हो या व्यूज की बात हो. हमारा जो यूथ है ना, वो इतना अग्रेसिव हो गया है कि मुझे लगता है कि दिस इज वन एलिमेंट दैट आई थिंक आई विल नेवर फॉरगिव इमरान खान फॉर. सो यस, उनकी जो तर्ज सियासत है, जिस तरह की नेगेटिविटी, जिस तरह की फ्रस्ट्रेशन, अगर आप यूथ को भी छोड़ दें, अगर आप असेंबलियों में ही देख लें माहौल, इतना विंडिक्टिव, इतना अग्रेसिव कभी नहीं था. सादिया, हमारे अपने व्यूज होते थे, लेकिन द मिनट वी यूज्ड टू स्टेप आउट ऑफ द असेंबली, मेरी बहुत सारी दोस्तियां थी बीटीआई में, सबकी थी, बिकॉज योर कॉलीग्स एट द एंड ऑफ द डे. हम अंदर जरूर अपनी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ स्टैंड बाय करते, बट वेन वी स्टेप आउट, वेर जस्ट हमारी अपनी पर्सनल रिलेशनशिप की है, बट वो सब तबाह हो गई बिकॉज सियासत इस नहज पे पहुंच गई है. देखिये, अपोजिशन होना बहुत जरूरी है क्योंकि चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, इतना विंडिक्टिव होने के लिए नहीं थी. और मेरा ख्याल है कि अब वापस आना, I don't see a way out, and that's hopeless because I'm a very positive person. मैं हर चीज में कोई ना कोई पॉजिटिव एलिमेंट ढूंढ लेती हूँ,
बट जब अब मैं सियासत को जो देख रही हूँ, और जो अगर आपने पंजाब असेंबली में जो कुछ इस तरह की हरकतें अगर आपने देखा हो कि वो जो बाहर कुटाई ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वो सब चीजें जो है सच ए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस कि मुझे नहीं समझ लगती कि ये वापस सब कैसे सही होएगा। सर पिछले जो 5 साल थे उनमें बदतरीन जो है वो सियासी निजाम रहा, तो उसमें पहले तो वजीर आला आगे गुजार साहब और उसके बाद अदालती वजीर आला आगे परवेज इलाही साहब, तो आप इस सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सादी मैं आपको बताती हूँ कि आई स्टिल रिमेम्बर द डे कि हम सब असेंबली में थे और हमने कहा कि समझ नहीं लग रही कि शहबाज साहब के बाद अब पीटीआई कौन सा बंदा लाएगी जो कि उनके उसको मैच का हो, या यू नो बिकॉज देखें इवन अपोजिशन हो, पीटीआई जब अपोजिशन में भी थी सब इस चीज को तो मानते हैं कि शहबाज साहब इज अ डूअर, उन्होंने परफॉर्म किया है, उन्होंने पंजाब को एक मॉडल सूबा बनाया है, तो हम यही बैठ के सोचते थे। मेरा ख्याल से इमरान खान ने सबसे बड़ी ज्यादती जो थी वो पंजाब के साथ ये की कि उन्होंने बुलदार को रखा, फिर असेंबलियों को ऑर्डिनेंस के थ्रू चलाया। मेरा ख्याल है कि सारा निजाम जो था उसका जितना लीगल एस्पेक्ट था, पंजाब असेंबली 4.5 साल जैसे चली है ना, वो मतलब कभी ऐसा मैंने नहीं देखा कि हिस्ट्री में ऐसे हुआ हो। लेकिन जो उन्होंने कर लिया उसके बाद इतना मुझे ऐसा लगा कि ये 5 साल जो था ना ऑफ लेजिस्लेशन और ऑफ ऑर्डिनेंस ऑफ ऑल ऑफ दैट, मुझे लगा पाकिस्तान जो है ना 15-20 साल पीछे चला गया वो टाइम पीरियड। फिर उसमें कोविड भी आ गया, बहुत मुश्किल टाइम वो गुजरा है सादिया। आई थिंक दोज आर वेरी टफ टाइम्स पॉलिटिकल उस तरह से भी अगर आप देख लें, और अगर और फिर एक बात जो है मुझे लगता है रीइन्फोर्स थी कि चाहे आपके पास वही सब गुजरा हो, क्योंकि जो उनकी टीम मेंबर्स हैं वो कोई नए सियासतदान नहीं है, बट व्हाट यू नीड द मोस्ट इज अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, और आई थिंक वो शहबाज साहब की वो जो लीडरशिप क्वालिटी थी उसके अंडर वो सारे काम जो थे ना, मुझे शहबाज स्पीड वो फिर ज्यादा प्रोमिनेंट और एविडेंट होगी कि यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। अब जो पंजाब की सूरत हाल चल रही है, जैसे लाहौर में अभी रिसेंटली जो है वर्धमान पास से आपने सूरत हाल देखी होगी, पथराव जलाओ भराओ ये सब कुछ हुआ, तो आप क्या समझती हैं कि ये यूथ के लिए क्या मैसेज जा रहा है और वो किस तरह से इसमें ये इंतजार फैलता चला जा रहा है? कभी इस तरह हमने देखा नहीं है, कभी भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में भी कभी इस तरह से हमने जलाओ भराओ नहीं देखे। सादिया वही बात है कि मैं आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड वन थिंग के पीटीआई सपोजिटली कहती है कि हम पढ़ी लिखी जमात है, यंग बच्चे और हैं यंग लोग जो हमारे इर्द गिर्द सोशल सर्कल में भी हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा एडमंट हैं कि चाहे जितने केसेस हो, तोशा खाना हो चाहे जो भी केसेस हो, वो कहते हैं कि बस हमें नहीं पता इमरान खान साचा। तो जब आपकी जब आपका आर्ग्यूमेंट करने का तरीकेकार ऐसा हो जाए तो मेरा ख्याल है अकलमंदी इसी में कि फिर आप ऐसे लोगों के साथ आर्ग्यू ना करें जो लॉजिकल ना हो, जो फैक्चुअल ना, जो वो कहेंगे जिस ये बस सब, क्योंकि मैं ये बात करती हूँ कि अगर इमरान खान केम विद अ नैरेटिव दैट एवरीबॉडी इज करप्ट, ऑल द पार्टीज आर करप्ट एक्सेप्ट अस एंड आई वी आर ब्रिंगिंग इन दैट चेंज, आपको 5 साल मिले, उन 5 साल में आप पे कितने स्कैंडल्स निकले, आपने गुलजार को क्यों पंजाब का, जबकि सब लोग आपके अपने पार्टी के लोग भी इधर, लेकिन जो उनके वोटर सपोर्टर है ना उनकी आर्ग्यूमेंट फ्लॉड है। वो फ्लॉड इस तरह है कि वो उनके सामने जब केसेस लाओ, उनके सामने सारे फैक्चुअल डेटा लेके आओ, वो कहते हैं हमें नहीं पता इमरान खान जो है वो सच्चा है पार्टी में, भाई हाउ कैन यू से ये तोशा खाना ये सब चीजें जो है उनकी उनकी अग्रीमेंट के बगैर या उनकी कंसेंट के बगैर कैसे सब कुछ हो सकता था। लेकिन हैविंग सेड दैट अब जो ये एक सिविल अनरेस्ट की तरफ चले गए एंड यूजिंग द यूथ यूजिंग द फीमेल, मैं आपको शादी एक बात बताऊं, जब भी अभी ठीक है पीएमएलएन कंजर्वेटिव पार्टी है या जो भी है, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी अग्रेशन होती थी ना असेंबलियों में भी, तो ऑल द मेल मेंबर्स वुड से कि आप सब खवातीन साइड पे हो जाए, यू नो दे वुड नेवर मेक अस द शील्ड, लेकिन पीटीआई की तरफ से जब भी पहल होती थी तो उनकी खवातीन आती थी लड़ने को। So I as being a woman, और मुझे ऐसे लगता है कि it's very disgraceful and it's demeaning to use women as your shield. ठीक है ना, हम तो पाकिस्तान में ठीक है we talk about equal rights, लेकिन हमारा मजहब भी और हम कहते हैं खवातीन को protect करो, ठीक है ना, लेकिन आपने हमेशा, मैंने पीटीआई को नोट किया असेंबली में, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है,
कि हमारे आदमी हमेशा पीछे हमें रख देते थे कि आप लोगों ने आगे नहीं आना, लेकिन उनकी तरफ से पहल जो होती थी उनकी खवातीन आती थी। अगर आप जमान पाक में भी देखें तो उनकी खवातीन जिस तरह उनको, तो मुझे लगता है कि दीज आर वेरी एज ए लीडर दीज आर वीक 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 साइन दैट समहाउ देयर फॉलोअर्स आर नॉट एबल टू सी। हम तो देखते ना नवाज शरीफ अपनी बेटी का, मतलब तो बाप के लिए बेटी से बढ़ के क्या चीज होती है। आई थिंक इट नीड्स अ लॉट ऑफ गट्स। मैं अभी भी सोचती हूँ आई गेट गूज बम्स दैट जिस तरह वो मरियम बीबी और नवाज शरीफ आ रहे थे और जिस तरह उनकी गिरफ्तारी हुई फॉर अ फादर। मतलब मैं अगर कभी इमेजिन करूँ दैट इफ माई फादर हैज टू गिव माई हैंड अवे यू नो कि जाए मेरी बेटी को गिरफ्तार कर ले, तो कितना स्ट्रॉन्ग नर्व उसकी जरूरत हो एक दिन। और इधर आप देखो कि आप बी अ लीडर, बी अ लीडर बिकॉज बहुत आपके लिए कुर्बानियां लोग दे रहे हैं, बहुत कुर्बानियां हुई। मुझे वो टाइम याद है कि नेवर फॉरगेट देयर वाज दिस फीमेल रिपोर्टर सदफ, बहुत प्यारी थी वो असेंबली के बाहर, और वो भी इस तरह रिपोर्ट करते करते वो कुछ ली गई अंडर द कंटेनर। आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, वैसे कुर्बानियों की बात कर रही हूँ, वो भी इन लाइन ऑफ ड्यूटी और लड़की जो थी वो कुछ ली गई कंटेनर के नीचे। तो जब आपने इतने बोल्ड स्टेप्स लिए देन यू हैव टू ब्रिंग आउट दैट बोल्डनेस एंड प्रूव इट। ठीक है मुझे डालो जेल में, हमारे लीडर्स नहीं गए, कितना कितना अरसा जेलों में गए, इनके लीडर्स दो दिन तीन दिन जाते हैं स्टार्ट क्राइम, तो फिर आप आवाम को क्यों इतना एग्रेशन में डाला, उनसे कुर्बानियां क्यों मांग रहे हो जब आप खुद वो कुर्बानियां देने को तैयार नहीं हो। दैट इज हिपोक्रेसी। अच्छा ये बताइएगा कि अभी रिसेंटली इमरान खान ने जो है वो ये स्टेटमेंट दिया है कि हमसे फंड्स ले लें और इलेक्शन करवा लें, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या ये उनका सही फैसला है, क्या आप लोग इसको सही समझते हैं? यू सी यू हैव टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स। लोग हमेशा आजकल ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि इमरान खान से डर गए तो इलेक्शन नहीं करा रहे, ये वो नहीं कर रहे। अब कोई भी बैठ के इस चीज को, इस सिचुएशन की एनालिसिस करे तो लुक एट द इकोनॉमी राइट नाउ। ठीक है चलो हम इलेक्शन में चले भी जाते हैं, ठीक है आप मुझे ये बात बताए ना, हमारी हुकूमत डरी बैठी है जिसने 44 नाम खवातीन के अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन दे के, वी वर ऑल प्रिपेयर्ड एंड सेट, इनके साथ नाम आए, इनकी जितनी खवातीन जितनी उनकी मेलते थी उनमें से खाली आपने 7 खवातीन के नाम दिए सो दैट यू कुड ब्लैकमेल द रेस्ट टू वर्क फॉर द पार्टी। इतना आपका उनके अंदर, मुझे तो हैरानगी इस बात की सादिया कि मीडिया ने इस पॉइंट को क्यों नहीं उठाया। दोस वेमेन वर्क सो हार्ड, उनको क्या उन पे आप इतना ट्रस्ट नहीं है कि अगर आप एक सीट नहीं देंगे तो वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। फिर पीएमएलएन ने 44 नाम दिए ना इलेक्शन कमीशन ने, सो दैट इज अ बिग थिंग। द पार्टी ट्रस्ट देयर वर्कर्स, उनकी जो खवातीन हैं उनको ट्रस्ट करते थे तो उन्होंने नाम दिए ना कि ये हमारी 44 नाम है। सेकेंडली इफ वी डू गो इन टू इलेक्शन, और अगर इलेक्शन के रिजल्ट इनके मुताबिक ना आए तो डू यू थिंक दे विल एक्सेप्ट इट? हर किसी के पास पीएमएलएन का जैसा जिगरा नहीं है। हमने इलेक्शंस के रिजल्ट नहीं माने थे 2018 के, बट हमने कहा फॉर डेमोक्रेसी से हम असेंबलियों में बैठेंगे और हम बैठे। एंड आई स्टिल रिमेंबर अहमद साहब्स फर्स्ट स्पीच एंड दे सेड कि इवन दो वी हैव अ रिजर्वेशन रिगार्डिंग द रिजल्ट्स बट बिकॉज वी सपोर्ट डेमोक्रेसी हम असेंबलियों में बैठेंगे। इनकी तरह नहीं कि हमारी बात नहीं मानी तो छोटे बच्चे की तरह सारे खिलौने फेंक के तो बाहर चलेंगे कि हम नहीं खेलते। तो जब हमने इनके देखे इंस्टेंसेस और हमें पता है कि अगर आज भी इतना पैसा लगा के इलेक्शंस में जाना है और रिजल्ट्स अगर इनके मुताबिक ना आए, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज 2/3 मेजोरिटी, ठीक है ना, वो ना आए तो फिर दे गोइंग टू बी ऑन द रोड्स, तो फिर क्या फायदा। अच्छा ये बताइए कि अगर आपको वजारत का मौका मिले तो आप कौन सी वजारत लेना पसंद करेंगे? वजारत अगर मुझे कभी मिले या ऑब्वियसली इट वुड डेफिनेटली बी एजुकेशन, अब स्कूल एजुकेशन हो या क्योंकि अब तो दो होगी ना, तो बिकॉज वही बात है ना कि मैं चाहे खवातीन के लिए जो भी, मुझे लगता है कि इफ यू नीड टू एम्पावर समबडी यू नीड टू एजुकेट दम, और इफ यू नीड टू एजुकेट दम देन यू नीड टू बी इन द राइट प्लेटफॉर्म राइट पोजिशन, आपके पास पावरफुल पोजिशन। और आई थिंक एजुकेशन की मैंने से ज्यादा प्लेटफॉर्म तो कोई नहीं होगा, तो इफ आई एवर थिंक ऑफ इट देन इट वुड डेफिनेटली बी एजुकेशन। अब ये बताइए कि आप पार्टी का मुस्तकबिल कैसा देखती हैं? सादिया पार्टी पे अभी थोड़ा मुश्किल वक्त आया हुआ है लुकिंग एट द इकोनॉमी, बट आई हैव फुल फेथ बिकॉज वी डिलीवर। हमने कोई हाइपोथेटिकल एजेंडा नहीं बनाया था, हमने एक दफा डिलीवर किया, और मुझे लगता है जब आपने एक दफा डिलीवर कर लिया देन यू हैव द राइट फॉर्मूला।
चीजें मुश्किल जरूर हैं बट उनके हल भी हैं. सेकेंडली PMLN मुझे लगता है कि वो अपनी जो खामियां हैं उसको ओपनली एडमिट करती है. अगर हमारा सोशल मीडिया कैंपेन विंग नहीं इतना स्ट्रॉन्ग, हम उस पर काम कर रहे हैं. अगर हमारी खवातीन की रिप्रेजेंटेशन इतनी नहीं है, हम उस पर काम कर रहे हैं. अगर हमारी यूथ की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम उस पर काम कर रहे हैं. जब आप काम कर रहे हो तो दैट इज अ स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन. तो आई हैव फुल फेथ इन आवर पार्टी बिकॉज वो कहते ना कि वो स्टबर्न नहीं है, वो वक्त के साथ तब्दील हो रही है. मरियम बीबी का आ जाना एक बहुत ज्यादा खुश आइन और पॉजिटिव एलिमेंट है, और शबाज साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमने पहले भी डिलीवर किया था, इंशाल्लाह आप भी करेंगे. बहुत शुक्रिया आपका बुशरा अंजुम बट साहिबा, आपने हमारे साथ इतनी प्यारी गुफ्तगू की, हमें अपने अचीवमेंट्स के हवाले से बताया. तो नाज़रीन इसी तरह हर ख़वातीन जो है उनको अपने माशरे में इसी तरह पॉजिटिव रोल अदा करने चाहिए ताकि वो अपने आप को माशरे में जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकें और इसी तरह जो है वो आगे अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें. आज के लिए इतना ही, हमारी गुफ्तगू आज यहीं पे इख्तिताम पज़ीर होती है. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.